नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हुआवे का जो होनर 7X है उसके लिए ओरियो 8.0 बीटा वर्जन जो है वो पहले लॉन्च हो गया था। उसका स्टेबल वर्जन जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। कब होने वाला है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वीडियो के नीचे रेड बटन जो है उस पर क्लिक करके वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ओनर 7X हुआवे का जो ब्रांड है ओनर 7X, उसमें जो ओरियो 8.0 वर्ज़न जो है वो लॉन्च हो गया था, लेकिन वो बीटा वर्ज़न था। जिन लोगों ने बीटा वर्ज़न टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को के लिए ऑनर 7X में बीटा वर्जन ओरियो का जो है वो लॉन्च हो गया था। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों ने बीटा वर्जन के लिए ट्राई नहीं कर पाया था, अप्लाई नहीं कर पाया था, उन लोगों को अभी ओल्ड वर्जन ही यूज़ करने को मिल रहा है। तो लेकिन हुआवे ऑनर वालों ने बताया था कि ऑनर का जो 7X है मोबाइल है उसमें ओरियो 8.0 वर्जन जो है वो जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 27 अप्रैल को जो ये अखबार का जो वेबसाइट पर जो शो हो रहा है वो दिख रहा है कि 27 अप्रैल को हुआवे इज़ अपडेटिंग द ऑनर 7X टू EMUI 8.0 एंड एंड्रॉयड ओरियो ऑन मंडे। मंडे मीन्स टुडे 30 अप्रैल 2018, मतलब 30 अप्रैल 2018 को ऑनर जो है वो हुआवे जो है वो ऑनर 7X ब्रांड के लिए ओरियो अपडेट करने वाली है। दोस्तों, तो आज ही के दिन 30 अप्रैल के दिन दोस्तों ओरियो अपडेट होने लगेगा। एक साथ सबको नहीं मिलेगा, बंडल में मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार जब हुआवे ने ओनर 7X के लिए फेस अनलॉक रिलीज़ किया था तो वो बंडल में किया था, जिससे लोगों को डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, तो बैचेज में रिलीज़ होता है, कुछ लोगों को अभी मिल जाएगा, कुछ लोगों को कल, कुछ लोगों को परसों, ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। दोस्तों, तो आप अपना अपडेटिंग चेक करती रहिएगा, अभी आप चेक कीजिए। जिस जिन लोगों को ओरियो अपडेट आ चुका है वो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में कमेंट करके हमको बताएं कि हमको ओरियो अपडेट मिल चुका है। दोस्तों, इसमें क्या क्या खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए, इसमें न्यू फ्लोटिंग नेविगेशन डॉक मिलेगा आपको। इसके बाद इसकी जो सेटिंग बार है, सेटिंग जो मीनू बार है फ़ोन मैनेजर, वो पूरा ही पूरा कम्प्लीटली चेंज है। उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, जिसमें इजीली वे में हम उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद जो फोटो गैलरी है, रिसाइकल बिन, ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। सीमलेस लिंक्डइन इंटीग्रेशन, लिंक्डइन अकाउंट दे दिया है उन्होंने। और लिंक अप टू ब्लूटूथ डिवाइसेस, दो स्मार्टफोन आर नाउ एबल टू कनेक्ट टू ब्लूटूथ डिवाइस एट द सेम टाइम। दोस्तों, पहले ये होता था कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो एक ही ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट रहता था। इस बार उन्होंने ऐसा अपडेट किया है कि हम अपने मोबाइल को दो ब्लूटूथ डिवाइसों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करते हैं तो दो ब्लूटूथ हेडफोनों को हम एक साथ एक मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फेस अनलॉक का फीचर है, जो कि हमको पहले ही मिल चुका है। और जितने भी नए फीचर हैं वो आपको दोस्तों ओरियो जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा, और आप खुद देख लीजिएगा आप। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन जिन लोगों को आए से ओरियो अपडेट मिलने लगा है वो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मिलना चालू हो गया है। दोस्तों, आप चेक करते रहिएगा, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ओरियो अपडेट मिल जाएगा। ओरियो अपडेट में एक और खासियत है कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, तो कुछ लोगों को ओनर 7X में हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिला था, तो ये प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है कि ओनर वाई वालों ने ओनर 7X में ओरियो अपडेट आते ही ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यूट्यूब में ब्लिंक करता था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है दोस्तों, और फेस अनलॉक और अच्छे से आएगा इम्प्रूव होकर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।